हमीरपुर से भाजपा कैंडिडेट अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुक्खू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जब 10 जनपद के इशारों पर एससी एसटी ओबीसी का हक मारने की तैयारी कर रही थी तो क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसका विरोध किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर विरोध नहीं किया तो क्या सुक्खू हिमाचल में भी एससी एसटी ओबीसी का हक मारने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ कांग्रेस आई वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग पर इन्होंने उनका कोटा कम करने का प्रयास किया। आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक में हो, और कर्नाटक में जब 5% कोटा कम करने की तैयारी चल रही थी जहाँ की सरकार 10 जनपद के रिमोट से चलती है, तो मेरा सवाल हिमाचल के मुख्यमंत्री जी से है, क्या उन्होंने इसका विरोध किया था कि नहीं किया था, कि समर्थन किया था, और क्या वो एससी एसटी ओबीसी के 5% कोटा कम करने के हक में है? क्या हिमाचल की सरकार भी एससी एसटी ओबीसी का 5% कोटा कम करने जा रही है? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी को अपमानित किया, प्रताड़ित किया और राजनीति से बाहर किया, क्या उसी तरह से अब देश के दलितों पर प्रहार कांग्रेस करने जा रही है, उनके हक छीनने जा रही है, और धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम जो हो रहा है, क्या इससे देश को बांटने का काम एक बार फिर कांग्रेस नहीं करती जा रही? जिस तरह से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ये पार्टी बनाई और चले गए, लेकिन अपनी मानसिकता देकर गए हैं, सोच देकर गए हैं कि बांटो और राज करो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, क्या एससी एसटी ओबीसी का 5% कोटा हिमाचल की सरकार भी कम करने जा रही है? दूसरा, 1500 रुपया महीना बहनों को मिलना था, 18 महीने बीत गए, एक एक बहन का 27,000 रुपया हिमाचल सरकार की देनदारी है, 5,400 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार की देनदारी है। कब मिलेगा ये पैसा? पहले 27,000 रुपया हमारी बहनों का, हर बहन का दो, फिर आके इनसे वोट मांगो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।